हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम ये पार्ट कटिया में क्रिएट करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये नीचे वाला रेक्टेंगुलर प्लेट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो ये प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो हमें नीचे वाला एंगल दिया है 45 डिग्री, बीच वाला लेंथ है 70 mm, तो सेंटर से एक साइड हो जाएगा 35 mm। ये हाइट दिया है 3 mm, टोटल हाइट 15 mm, पार्ट का टोटल लेंथ दिया है 120 mm, सेंटर से एक साइड हो जाएगा 60 mm। तो अब मैं इसे पैड करूँगा। इसका पैड वैल्यू हमें दिया है 90 mm, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 45 और उसे मिरर करता हूँ। इसके बाद हमें 15 mm रेडियस का कॉर्नर प्रोवाइड करना है, तो मैं एजेस को सिलेक्ट करता हूँ। इसके ऊपर होल क्रिएट करना है, यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, उसे मिरर करता हूँ। इन सर्कल को कॉन्सेंट्रिसिटी और सर्कल का डायमीटर 18 mm। इसका पॉकेट वैल्यू दिया है 8 mm। इसके ऊपर भी सर्कल, इसका डायमीटर 11 mm और ये भी पॉकेट। इसके बाद ये वाले होल क्रिएट करूंगा, डायमीटर दिया है 10 mm, सेंटर से एंड तक डिस्टेंस 15 mm। तो इसके बाद अब मैं ये पाइप क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सेंटर कर क्रिएट करूँगा। तो ये प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इस प्लेन के अबाउट इस पार्ट को कट करता हूँ और यहाँ पे मैं सेंटर कर का स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो ये पॉइंट और ये लाइन कोइंसाइड, सिमिलरली ये पॉइंट और ये लाइन कोइंसाइड। आर्क का रेडियस हमें दिया है 120 mm, तो हमें यहाँ पे एंगल देना है 60 डिग्री का। तो ये एंगल देने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इस कर्व पर मैं रेफरेंस प्लेन क्रिएट करूँगा नॉर्मल टू कर इस पॉइंट पर। तो इस रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और इस पर ये वाला सर्कल ड्रॉ करता हूँ जिसका डायमीटर हमें दिया है 120 mm, और ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड। इसका पैड वैल्यू हमें दिया है 12 mm। इसके बाद अब मैं ये आउटर पाइप क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो इस आउटर पाइप का डायमीटर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। जैसा कि आप स्केच में देख सकते हो, हमारा इनर पाइप का डायमीटर हमें दिया है 50 mm, और इनर और आउटर पाइप के बीच में हमें 5 mm का थिकनेस है। तो हमारा आउटर पाइप का डायमीटर हो जाएगा 50 + 5 थिकनेस, और इस साइड का भी 5 थिकनेस, यानी टोटल 60 mm। तो यहाँ पे यूज करूँगा रिप कमांड, प्रोफाइल में ये सर्कल और सेंटर कर्व में ये कर्व। इसके बाद मैं इनर पाइप क्रिएट करूंगा जिसका डायमीटर है 50 mm, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सेंटर करके स्केच को शो करता हूँ। अब मैं यूज करूंगा स्लॉट कमांड, ये सर्कल और ये सेंटर कर, और ये हमारा पाइप क्रिएट हो गया। तो इसके बाद अब मैं ये पीछे वाले सरफेस पे ये सर्कल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो ये फेस सिलेक्ट करता हूँ, सर्कल का डायमीटर दिया है 40 mm, नीचे से डिस्टेंस दिया है 50 mm, ये पैड हो जाएगा अप टू नेक्स्ट।
इसके ऊपर हमें होल भी क्रिएट करना है जिसका डायमीटर दिया है 25 mm। और ये पॉकेट हो जाएगा अप टू नेक्स्ट। तो हमें यहाँ पे चैम्फर भी प्रोवाइड करना है 2 mm का। इसके बाद मैं नीचे का रिप क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं इस सर्कुलर प्रोफाइल के एजेस को प्रोजेक्ट करूँगा। तो यूज करता हूँ प्रोजेक्ट 3D शेल आउट एज कमांड, कंस्ट्रक्शन एलिमेंट ऑन करके ये एजेस प्रोजेक्ट हो गए। तो यहाँ पे मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ रिप का। और यहाँ पे यूज करता हूँ स्टिफनर कमांड। तो इस रिप का थिकनेस दिया है 12 mm और ये हमारा पीछे का प्रोफाइल क्रिएट हो गया। तो इसके बाद अब मैं ये वाला प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो ये प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे यूज करता हूँ प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट कमांड और इस पाइप को प्रोजेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैं इसे प्रोजेक्ट करूँगा हमारे सेंटर कर का पॉइंट यहाँ पे प्रोजेक्ट हो चुका है। तो इस पॉइंट से लेके मैं यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल देना है 20 डिग्री का। और यहाँ पे मैं स्केच ड्रॉ करता हूँ। तो हमें इसका लेंथ दिया है 32 mm, सेंटर से एक साइड हो जाएगा 16 mm, इसका हाइट दिया है 9 mm। इसके बाद हमें सेंटर कर से लेके इस रेक्टेंगुलर पोर्शन के एज तक डिस्टेंस देना है। तो सबसे पहले उसके लिए मैं सेंटर कर को शो करता हूँ। तो इस कर से एज तक हमें यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो जैसा कि आप स्केच में देख सकते हो हमारा इनर डायमीटर है 50 mm, तो हाफ के लिए जो हो जाएगा 25, ऊपर का थिकनेस 5 और इस प्रोफाइल का लेंथ 9। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 25 प्लस थिकनेस 5 प्लस लेंथ 9। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा स्टिफनर कमांड। तो ये हमें एरर शो कर रहा है। तो फिर से स्केचर में जाके ये जो पॉइंट हमने प्रोजेक्ट किया है उसे रेफरेंस एलिमेंट में कन्वर्ट करता हूँ। फिर से स्टिफनर, ये डायरेक्शन रिवर्स। तो हमें इसका थिकनेस हो जाएगा 32 mm। इसके ऊपर होल क्रिएट करना है, डायमीटर दिया है 18 mm। और पॉकेट वैल्यू दिया है 6 mm। इसके ऊपर और एक होल है जिसका डायमीटर है 10 mm और ये भी पॉकेट। इसके बाद हमें इसके एजेस को एज फिलेट देना है। तो एजेस को सिलेक्ट करता हूँ 5 mm का एज फिलेट, नीचे वाले सर्कल को 3 mm का एज फिलेट। तो इसके बाद अब मैं ये सर्कुलर स्लॉट क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो इस प्लेन पे सर्कल जिसका डायमीटर दिया है 4 mm, तो ये पॉइंट और लाइन कोइंसाइड। तो आप इस डिटेल्स में देख सकते हो इस सर्कल के सेंटर से लेके इस एज तक यानी इस इनर पाइप के एज तक डिस्टेंस दिया है 8 mm। इस पॉइंट से इस एज तक, तो ये डिस्टेंस हम नहीं दे सकते इसलिए मैं इसे सेंटर कर से डिस्टेंस देने जा रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा इनर डायमीटर का हाफ यानी 25 प्लस दिया हुआ लेंथ 8 mm यानी टोटल डिस्टेंस 33 mm। तो ये हमारा प्रोफाइल क्रिएट हो गया। इसके बाद मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ सेंटर कर। तो ये फेस पे सेंटर कर ड्रॉ करूँगा जो कि हमारे प्रोफाइल के सेंटर से जाएगा यानी डायमीटर हो जाएगा 66। तो यहाँ पे यूज करूँगा स्लॉट कमांड, प्रोफाइल में ये छोटा सर्कल और सेंटर कर में
ये कर, और ये मेरा स्लॉट क्रिएट हो गया। तो इसके बाद मैं ये होल क्रिएट करने जा रहा हूँ, होल कमांड सेलेक्ट करता हूँ, ये सरफेस पोजिशनिंग स्केच, ये एक्सिस और पॉइंट कोइंसाइड, सेंटर से डिस्टेंस 45, होल का डायमीटर 8, डेप्थ 12 mm। इसके बाद यूज करूँगा सर्कुलर पैटर्न कमांड, पैरामीटर में कंप्लीट क्राउन, टोटल 6 होल, ये ऑब्जेक्ट और ये रेफरेंस एलिमेंट। और आप देख सकते हो इसके साथ ही हमारे पार्ट डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद अब मैं आपको ये सेक्शनल व्यू दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं ये वाला सर्कुलर प्रोफाइल दिखा देता हूँ। और ये रहा हमारा टॉप व्यू। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।